मेरी आवाज न्यूज 24 लाइव में आपका खैर मकदम है। हैदराबाद के सुल्तान उलूम प्री प्राइमरी स्कूल इंतजामिया की गफलत से हजारों मुस्लिम तलबा का मुस्तकबिल तारीख। हैदराबाद में वाक़ सुल्तान उलूम प्री प्राइमरी स्कूल इंतजामिया की जानिब से आज अचानक तलबा में बकाया फीस की वसूली के साथ TC जारी करना शुरू कर दी गई, जिससे तलबा और औलियाए तलबा में सनसनी फैल गई। वाज़ह रहे मुख्तसर अरसे में पुरकशिश इश्तहारात के जरिए शहर में मखसूस शनाख्त बनाने वाला ये तालीमी इदारा पुरसरार वजूहात की बिना पर तनाज़ात का शिकार हो गया। स्कूल इंतजामिया बिलखसूस सदर मौलिमा इस मसले पर कुछ कहने से गुरेज कर रही है और तलबा के नाम इज्तिमाई TC जारी की जा रही है, अलबत्ता सख्ती के साथ बकाया फीस वसूल की जा रही है। स्कूल का तमाम फर्नीचर पंखे वगैरह गायब हैं। इलेक्शन इंतजामिया ने यहाँ की सहूलतों को देखते हुए मरकज़ रायदही भी बनाया था, लेकिन सहूलतों के फुकदान के बाद रायदही का अमल भी मुतासिर होने का इम्कान था। ताहम ज़िला इंतजामिया इसके लिए इकदाम कर रहा है। हज़ारों औलिया तलबा शदीद परेशान हैं और इंतजामिया को लानत व मलामत का शिकार बना रहे हैं। यहाँ भी स्कूल की फीस भरो बढ़ रही है और वहाँ भी डोनेशन लग रहा, कहाँ से लाना डबल डबल, सडनली बंद कर रहे हैं और फीस लिए तक TC नहीं दे रहे, बच्चों के फीस लिए तक TC नहीं दे रहे, नहीं कुछ भी नहीं दे रहे, डेट सर्टिफिकेट नहीं दे रहे। देना क्या है ना, हमारा डोनेशन वापस देना, हम हमारे तरफ से बच्चों को क्या देना, हमारा डोनेशन वापस देना। 2 साल के वास्ते, साल के वास्ते डोनेशन देने के लिए ये पीरियड में अभी पूरा था गया, कारोबार के हिसाब से गरीब सब गरीब तबके के लोग हैं यहाँ पे। 2000 रुपये लिए थे सर, जो परसों एग्जाम खत्म हो उस दिन बोले कि शायद भर लूंगा, 16 तारीख को बोलेंगे, बोले ऐसा कुछ इत्तला नहीं दिए। नहीं कर सकते भाई, हमारे पास पालने संभालने वाले कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, मेरे बच्चों की फीस नहीं दे सकते। नहीं नहीं, आज ये 1000 रुपये रुके रहे बोले तो नहीं दे रहे, इन लोग TC नहीं दे रहे। हाँ 200 रुपये दोगे तो एक TC के लिए 200 दिए बोले तो TC नहीं देते, बोले उन लोगों TC नहीं देते। फिर अगर चलो तुम एडमिशन फीस भरे वाली है, फिर साल की फीस भरो कहते तो पैसे देते, नहीं तो नहीं TC देते, नहीं तो नहीं। सुल्तान आलम अब 500 के लिए खाली रुक गए, खाली 500 देना है, 500 नहीं 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 बोले, नहीं बोले, अचानक बंद हो गया, अचानक आज ही मालूम पड़ा। नहीं नहीं नहीं, कि 2 महीने पहले करे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बोले, क्योंकि मैं खुद गवाह हूँ। इससे पहले फीस देने के लिए तकाजा करे थे, बच्चों को वापस दिए भेज दिए थे, तो हम आकर रिक्वेस्ट करके उनको बिठाए और उनको बोले कि है नहीं क्या, हम एग्ज़ाम हुए बात है नहीं क्या, रिजल्ट के टाइम पे है नहीं क्या पैसे देंगे बोल के। आप देने को आए तो यहाँ पर है नहीं क्या स्कूल बंद हो रहा बोल के यहाँ पर चर्चा चली। अब ये न्यू एडमिशन कहाँ पर और कैसे करना, पैसे नहीं और पहले स्कूल जो बंद है चालू, उसका तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। मैं इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से, तहसील ऑफिस की तरफ से मेरे को जो BLO का काम दिया वाला है, मैं वो ही निभाऊंगा यहाँ पे। और उसके लिए मुझे फिक्र है कि अब आने वाले लोग हैं मेरे, पोलिंग पूरे चिट्ठियाँ लेके, बोटियाँ लेके, अपने मशीनें लेके आने वाले, तो उनको यहाँ तकलीफ़ नहीं होना। और अभी शाम में 5 बजे पूरी आचार संहिता कंपलसरी एकदम स्ट्रिक्टली लागू होंगी, और ये लोग अगर कल बुलेंगे तो और मेरे पेरेंट्स को मसला आऊँगा, मेरे वोटर्स को मसला आऊँगा, मेरे जो बूथ लेवलिंग ऑफिसर होंगे उनको मसला आऊँगा। तो मेरी ये गुजारिश है कि आज की ख़त्म कर दो, 5 बजे के बाद आचार संहिता लागू हुई, कलम 144 लागू हो जाएंगी। 100 मीटर तक आप मिला वजह कोई अंदर आना नहीं,
हाल ही 18 तारीख के दिन आप मतदान सुबह 7 बजे से लेकर तो शाम के 6 बजे तक मतदान कर सकते हैं। सर, 4 से चलते इसके और नहीं होता है, स्कूल को कोई लॉक लग जाता है तो लोग? नहीं नहीं नहीं, हमने वैसे ऑलरेडी यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको आज सभी ही हमारे एआरओ परवेश पठान साहब आके उनको बात भी करे और उसके बाद उन्होंने उनको बताया कि हम पूरा कम्प्लीट करके देंगे। अभी इनके फैना ट्यूबलाइट या अभी रिपेयर करके दिए हमको, आगे की प्रोसीजर कम्प्लीट करेंगे। फिर भी आप लोगों को कुछ मुश्किल आती है तो हमारे यहाँ पे हर स्कूल पे दीवारों पे मोबाइल नंबर और लिखा ले आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।